स्कूल जा रहे हैं, हम उनको ड्रॉप करने आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। आज तो बहुत तेज़ धूप है। कर रही हूँ घर की साफ सफाई, सब काम हो चुका था किचन का। सुबह का खाना भाभी बनाती हैं क्योंकि नाइट में मुझे लेट हो जाता है सोते टाइम, मेरी नींद भी नहीं कंप्लीट हो पाती है। कभी 2 बज जाता है, कभी 3 बज जाता है, मतलब मेरे टाइम का कोई वो ही नहीं। मैं इसी दिन सही टाइम पे सोई हूँ, बेटू की वजह से। देखो खुद तो आराम से सो रही है, बेड पे सोई है, तब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ रूम में। फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना है, आराम से वो सो रही थी। तब तक मैंने कहा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। सब जगह हटा हटा के मुझे झाड़ू लगाना पड़ता, कहीं कुछ थोड़ा सा भी बचा रहेगा ना तो वो तुरंत अपने मुंह में डालती है, इसलिए मुझे बहुत ध्यान देना रहता, साफ़ सुथरा रखना पड़ता है कि कहीं भी थोड़ा सा भी कचरा ना रहे। मुझे दिन में 3 से 4 बार तो झाड़ू लगाना ही लगाना रहता है। मैं नहाई भी नहीं थी अभी, मैंने मुझे अच्छा ही नहीं लगता अब, मतलब नहाने के बाद ज़्यादा करो गंदा शंदा साफ़ करो, तो मुझे मेरा मन करता कि नहाने से पहले मैं जितनी सफाई हो पाए मैं कर लूँ। अब हम चलते हैं हॉल में, देखिए सब लोग जा चुके हैं। हॉल ऐसे अभी सुबह से पड़ा हुआ है, चलते हैं थोड़ा सा साफ़ सुथरा करने। साफ़ करने के बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अभी हमारा किचन भी पड़ा हुआ है, किचन में बर्तन रखे हुए हैं, स्लैब सब ऐसे पड़े हुए हैं। बेटू जग गई, हमको बुला रही है। ये मेरा बच्चा उठ गया है, आजा मेरे लाला, आजा मेरा गुद्दू पुद्दू, इसको कुछ खिलाओ ला दे, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फिर उसके बाद सुला के फिर जस्ट किचन में जा रही हूँ। मैंने सोचा किचन में काम भी करूँगी। और मैं हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबू को बर्थडे में क्या क्या मिला, मैं वो दिखाने वाली थी आप लोगों को, तो मैं दिखाती हूँ उसका फर्स्ट गिफ्ट जो उसके नानू के घर से मिला है। और मेरे भाई आए थे, बड़ा वाला भाई आया था और बीच वाला भाई आया था, छोटा वाला भाई नहीं आया था क्योंकि वो गांव का प्रधान है, छोटा है। मेरा मतलब छोटा भाई जो है वो प्रधान है गांव का, तो उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो इसी वजह से वो नहीं आ पाया। तो ये नानू और मामू की तरफ से बेटू के लिए गिफ्ट है, गोल्ड का चेन। इसमें से निकाल के दिखा दो तो आपको सही से दिखेगा। ये देखिए खूबसूरत है। बेटू तो पहन ही नहीं रही थी, वो लोग पहना रहे थे। ये देखिए मैं भी पहन सकती हूँ ऐसे मैं भी पहन सकती हूँ ऐसे और नेक्स्ट गिफ्ट उसका ड्रेस कलेक्शन, तो उसका तो कोई वे ही नहीं है कि कितना उसको मिला है, तो दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जब जब मैं उसको पहनाऊंगी तो मैं बताऊंगी हाँ ये बर्थडे गिफ्ट है। और ये उनकी छोटी बुआ ने गिफ्ट किया है, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। ओम का है ये, ओम बना हुआ है इसमें, जैसे वो शंख होता है वैसे ही है और उसमें ओम लिखा हुआ है। और छोटे छोटे हैं ना बहुत सारे, मेरे भी उसमें रखे हुए इसलिए खोजने में टाइम लग रहा है। और ये उसकी मासी ने गिफ्ट किया था, वो अभी इस टाइम मुंबई में रहती है। उसका भी चैनल है मिस्टर एंड मिसेज राज
अनुराज करके है, प्लीज़ उसके चैनल को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा भी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। और इस वीडियो पे अगर आप नए बने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए छोटू सा है, वो ये गिफ्ट उसको ना पहले एडवांस में ही मिल गया था, क्योंकि वो मुंबई में रहती है, तो 2 महीने पहले ही जब आई थी वो इधर, तो उसने पहले ही गिफ्ट दे दिया था कि मैं हो सकता है इसके बर्थडे में ना रहूँ यहाँ पे, तो पहले ही इसको गिफ्ट मिल गया था। गोल्ड का है, बहुत प्यारा है। और बस, और एक कड़े हैं, ये भी इसको नानू के हाथ से ही मिला था। ये है, और मेरे भाई लोग आए थे और मेरे लिए भी गिफ्ट लाए थे, लेकिन ये वैसे गिफ्ट नहीं था। वहाँ पे मेरे बड़े वाले भाई को बेबी गर्ल हुई है, तो हमारे यहाँ रिवाज है जब काजल लगवाया जाता है तो उनको गोल्ड का कुछ दिया जाता है, तो उन्होंने मुझे गोल्ड का ये दिया है बाला। वाओ ना, मुझे बहुत पसंद है। हमारी फैमिली में, मायके वाली फैमिली में, मेरे पापा हैं, मेरे 3 भाई हैं और मैं 2 बहन हूँ। मैं छोटी वाली बहन हूँ, बड़ी वाली बहन मेरी अनु है जिसका चैनल है अनुराज करके। और उसके बाद मेरा अतुल भाई है, विपुल भाई है, राज भाई है। और अभी तो मैं ससुराल में हूँ, उस टाइम ससुराल वालों के लिए भी मुझे वीडियो अलग से बनाना है कि मेरे फैमिली मेंबर में कौन कौन है, इसका मैं अलग ब्लॉग डालूँगी, बताऊँगी मैं मेरे ससुराल में कितने लोग हैं। इस टाइम नेकलेस है, ये मैंने अपने मायके से लिया था, वहाँ पे एक वो लगा हुआ था, बरदस्नी लगा हुआ था, वहाँ से मैंने लिया था। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था, मैंने एक ही नज़र में इसको पसंद कर लिया और मैंने ये ले लिया था। अच्छा है ना, ऐसा मैंने मीशो पे भी देखा था। तो मैं ऐसे मार्केट घूमने गई थी, वहाँ तो मुझे दिख गया, तो मैंने तुरंत इसको ले लिया। बिटू अभी सो रही है, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब मैं चल रही हूँ लंच करने, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए बने हुए हैं तो अपने फैमिली मेंबर, रिलेशन वालों को, सबको शेयर करिए और बोलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय गाइस, लव यू टू ऑल।